अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको विज़िट करवाने जा रहे हैं ये 5 मरला का मॉडर्न एलिवेशन में रेडी घर तक, जिसकी लोकेशन बैरियाटन लाहौर सेक्टर डी में ये घर बिल्ड आउट किया गया है। बहुत ही शानदार किस्म का और बहुत ही शानदार लोकेशन पे ये घर बिल्ड आउट किया गया है। ये इसका कमल स्ट्रीट व्यू दे सकते हैं, लेफ्ट और राइट का टोटली व्यू दे सकते हैं। इसके सराउंडिंग में सारे घर बिल्ड आउट हुए हुए हैं और ये घर आपको फेसिंग पार्क मिल जाता है। घर की डिमेंशन की बात करें, 25 फीट इसका फ्रंट और 45 फीट घर की डेप्थ है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपको टोटली तौर पर रॉक वॉल और टाइल वर्क के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन रेडी मिल जाता है। लाइट्स आपको इंस्टॉल मिल जाएंगी। काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे घर की जितनी भी डिटेल है आपके साथ फॉरवर्ड की जा सके। आए चलते हैं, आपको घर का टोटली अंदर से व्यू करवाएँ। ये इसका साइड व्यू दे सकते हैं। आए चलते हैं, आपको घर का अंदर से व्यू करवाएं। सबसे पहले आपको इसका एक्सटर्नल लॉन एरिया दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको ग्रास और प्लांटेशन मिल जाती है। बाउंड्री वॉल डिज़ाइन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको रॉक वॉल और लाइट इंस्टॉल मिल जाती हैं। ये इसका फुली आयरन डोर दे सकते हैं, जो कि CEMC कटिंग के साथ रेडी किया गया है। लेज हम आगे इसके कार पोर्च में, और कार पोर्च का सबसे पहले इसका व्यू दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 डोर स्पेस मिल जाती है, एक इसका मेन डोर, एक इसका ड्राइंग रूम प्लस टीवी लाउंज का लिए डोर, एक इसी तरह ऊपर जाने के लिए डोर की स्पेस मिल जाती है। ये निश के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके का मोज़ेक वर्क मिल जाता है। बाउंड्री वॉल के ऊपर आपको शानदार किस्म की प्लांटेशन दे सकते हैं, और इस तरफ गली की स्पेस दे सकते हैं, जिसके अंदर आप 1 से 2 बाइक को बड़ी आसानी के साथ खड़ा कर सकते हैं। अगेन अंदर से आपको इसका मुकम्मल व्यू दोबारा दिखाते चलें। ये इसका मुकम्मल व्यू। आए चलते हैं घर के मेन एंट्रेंस करते हैं, इसकी मेन एंट्रेस से ले जाइए हम आगे घर की मेन एंट्रेस में। और इसी तरह ये घर का मेन टीवी लाउंज रेडी किया गया, जो कि इंतहाई खूबसूरत रखा गया। सबसे पहले इसका सीलिंग का डिज़ाइन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको खूबसूरत तरीके के शैंडल्स इंस्टॉल मिल जाएंगे, और सामने ही इसका मिरर वर्क दे सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत रखा गया। ये ग्लास वर्क निश के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके की वर्क मिल जाता है। ये इसका मुकम्मल व्यू दे सकते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम रेडी किया गया, जिसके सीलिंग का डिज़ाइन दे सकते हैं। मास्टर साइज का आपको शैंडल इंस्टॉल मिल जाता है। फायरप्लेस के ऑप्शन दे सकते हैं, खूबसूरत तरीके के वॉल। ये इसका मुकम्मल व्यू। टीवी लाउंज और जो ड्राइंग रूम है, इसे इकट्ठा ही रेडी किया गया। अगर आप इसे सेपरेट भी यूज़ करना चाहें, सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम आगे घर के मेन एंड किचन में, और सबसे पहले इसका सीलिंग का डिज़ाइन दे सकते हैं। ये इसका किचन का टोटली व्यू। स्टोक और वुड किचन के अंदर आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। काउंटर टॉप पर आपको वाइट मार्बल इंस्टॉल मिल जाता है। ये किचन का टोटली व्यू। यूवी हाई ग्लो यूवी शील्ड के साथ इसके किचन कैबिनेट ऐड किए गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं घर के फर्स्ट बेडरूम में। ये हम अगेन आ गए, ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स इसी के साथ ही डिज़ाइन दे सकते हैं। ये घर का फर्स्ट बेडरूम, इसका सीलिंग का डिज़ाइन, सामने इसका बेड वॉल दे सकते हैं, जो कि वॉल पोशिश लगाई गई है। अलमारी के ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि टोटली तौर पर फुली हाइटेड आपको रूफ तक इंस्टॉल मिल जाएगी। LCD पॉइंट दे सकते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत रखा गया। अब आपको लिए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में। वॉशरूम के अंदर आपको वॉल फिटेड कंबोर्ड की ऑप्शन मिल जाती है। शावर पॉइंट दे सकते हैं, और इसी के साथ वेंटी के ऑप्शन दे सकते हैं, जिसके सामने आपको मिरर की ऑप्शन मिल जाती है। इंतहाई खूबसूरत इसका वॉशरूम रखा गया। ये वॉशरूम का टोटली व्यू दे सकते हैं, बहुत शानदार किस्म का वॉशरूम। अब आपको व्यू करवाते हैं घर का फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक बेडरूम, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और किचन की स्पेस मिल जाती है, और इसी तरह ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स की ऑप्शन मिल जाती है। ये इसका वॉल डिज़ाइन दे सकते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत रखा गया। ले जी हम आगे घर के मेन सेकंड टीवी लाउंज में, और सामने इसका वॉल डिज़ाइन दे सकते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत रखा गया। और इसी के साथ इसका सेकंड किचन, ये किचन का टोटली व्यू। किचन के अंदर आपको काउंटर टॉप के ऊपर आपको वाइट मार्बल इंस्टॉल मिल जाता है। यूवी हाई ग्लोज यूवी शील्ड के साथ किचन कैबिनेट आपको मिल जाते हैं। ये इसका किचन का व्यू। अब आपको व्यू करवाते हैं इसका सेकंड बेडरूम। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन, सामने ही इसका वॉल डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे अलमारी के ऑप्शन, और इसी के साथ यहाँ पे खिड़की के ऑप्शन सेफ्टी ग्रिल के साथ। ये बेडरूम का सेकंड व्यू।
सामने LCD पॉइंट। अब आपको लिए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में। ये वॉशरूम का टोटली व्यू देख सकते हैं, टोटली तो आपको वॉशरूम में आपको टाइल इंस्टॉल मिल जाती है। ये वॉशरूम मिरर वेंटी और ये इसका वॉशरूम का टोटली व्यू शॉवर पॉइंट। अब आपको लिए चलते हैं इसके थर्ड और आखिरी बेडरूम में, तीसरे बेडरूम में। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन और इसी के साथ सामने LCD पॉइंट व्यू कर सकते हैं। ये सामने पार्क का फेसिंग पार्क का व्यू और इसी के साथ ये टोटली बेडरूम का व्यू दे सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं इसके वॉशरूम में। ये वॉशरूम वेंटी दे सकते हैं वाइट कलर में। यहाँ पर कंबोर्ड की ऑप्शन, फुली हाइटेड वॉशरूम में आपको टाइल इंस्टॉल मिल जाती है। इस घर की जो डिमांड है 2,55,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। और इस घर की जो लोकेशन है बैरिया टाउन लाहौर सेक्टर ई में यह घर बिल्ड आउट किया गया है। ये हम आगे इसके लॉन एरिया में, सामने फेसिंग पार्क की ऑप्शन, यहाँ पे प्लांटेशन मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये आप घर बाय करना चाहें या किसी किस्म की डिटेल जानना चाहें, ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ले जी हम आगे इसके रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पे भी आपको सिटिंग एरिया और बारबेक्यू पॉइंट मिल जाता है। काफ़ी बड़ी स्पेस मिल जाती है इसके रूफ टॉप के ऊपर। टोटली तो पर